नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं जसपाल ब्रदर एग्रो फार्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फार्मर भाइयों, आज हम बात करेंगे पिग फार्मिंग में की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों के बारे में। कई बार हमें जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, जिसका कि बाद में हमें बहुत बड़ा लॉस लगता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर पिग फार्मिंग से संबंधित है जो वीडियो डालते रहते हैं। फार्मर भैया, जब भी कोई फार्मर नया पिग फार्म करता है तो उसको है जो पिग जो कई बातें हैं जो पिग फार्मिंग की इंपॉर्टेंट बातें होती है उनको ध्यान नहीं होती है, और वो जाने अनजाने में गलती कर बैठता है जिससे कि उसको लॉस हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप उनको याद रखें व अपने ध्यान में रखें ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें। क्योंकि जो भी मैं बातें बताऊंगा फार्मर भाइयों, पहले हम इसका जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात होती है वो होती है फार्मर भाइयों, फार्म की बायोसिक्योरिटी। हमें जो फार्म की बायोसिक्योरिटी का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो बाहर से कोई भी जैसे जीवाणु कीटाणु अपने फार्म के अंदर प्रवेश ना करें। आपको ही पता है फार्मर भाइयों की बाहर से कोई भी यदि बीमारी अपने फार्म के अंदर प्रवेश करेगी तो हमें एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इसे हम बायोसिक्योरिटी के थ्रू रोक सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा फार्मर भाइयों कोई ऐसी बीमारी है जो फार्म के अंदर इंटर कर जाती है, जिससे कि फार्म के जितने भी एनिमल हैं डेड हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा लॉस है जो पिग फार्मर में होता है। और उस लॉस की वजह से जो फार्मर भाई है जो रिकवर नहीं कर पाता उस लॉस को, और फार्म है जो धीरे धीरे बंद हो जाता है। बायोसिक्योरिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फार्मर भाई, वो जो है कि जब भी आपके फार्म पे कोई भी बाहर से है जो बंदा फार्म विजिट करने आता है, तो आप उससे पहले पूछो कि वो कहाँ से आया और किन किन फार्मों पे जाके आया। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो फार्म की बायोसिक्योरिटी है बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, पर ऐसा है भी वो बंदा किसी ऐसे फार्म पे जाके आया हो वहाँ जहाँ पे बीमारियाँ हो, वो सीधे आपके फार्म के अंदर इंटर हो जाए तो 101% है वो बीमारियाँ आपके फार्म के अंदर आएगी ही आएगी। क्योंकि ऐसा कई बार व्यापारी होता है, जैसा कि कोई भी व्यापारी अपने फार्म पे माल खरीदने के लिए आता है, हमें पता नहीं होता कि वो पहले कितने फार्मों पे जाके आया है। इस बात का हम ना ही उससे पूछते हैं और ना ही हम उस वक्त इस बात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमें अपना माल बेचने की जल्दी होती है। और जैसा ही वो फार्म के अंदर एंटर करता है तो उसे के साथ जो भी वो फार्म पे जाके आया है उसके साथ जो अनेकों प्रकार की बीमारियां वो भी अपने फार्म के अंदर एंटर हो जाती है। इसके रोकने के लिए सबसे पहले तो आप उससे पूछो कि वह कौन कौन से फार्म पे जाके आया, उसके बाद उसको आप लाल दवा जहाँ जो भी आपके पास चूने का पाउडर उसके पैर जो अच्छी तरीके से साफ करवाओ, और यहाँ तक हो सके उसको फार्म के अंदर इंटर न करवाएं। बाहर की जो आपकी जाली लगी है उस जाली से ये जो उसका माल है जो आप सॉरी जो अपना माल है उसको दिखा दें। यदि उसने लेना होगा तो बाहर से ही वो देख लेगा, यदि नहीं लेना होगा तो चाहे आप उसको उसके पास ले जाओ तो भी आप नहीं वो माल है जो आपका नहीं लेगा। दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है, जो भी आपके पास औजार है जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए नीडल्स है, पूंछ काटने के लिए कटर है, कस्सी करने के लिए आपके पास जो भी ब्लेड है वो किसी अदर फार्मर को ना दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नज़दीक नज़दीक छोटे छोटे फार्म बने होते हैं वो हमारे फार्म पे फार्म के जो औजार है लेने आ जाते हैं, और हम एज ए फार्मर के नाते या एज ए दोस्ती के नाते हम उसको दे देते हैं। हमें नहीं पता होता कि उसका एनिमल कैसा है, उसको क्या बीमारी है, वो इस भी अपने जो औजार को लेके उसका क्या यूज़ करेगा, हमें कुछ पता नहीं होता है। वो ले जाके यूज करता है हमें दे देता है, हम उसको साफ नहीं करते सीधा रख देते हैं, और उसी औजार को है जो हम अपने जानवर पे काम लेते हैं जिससे कि उसकी जो भी बीमारी अपने फार्म के जानवर के अंदर चली जाती है और हमें जो बाद में एक बहुत बड़ा लॉस है उठाना पड़ता है। तो आप इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो आप किसी को बिल्कुल अपने फार्म का औजार नहीं के बराबर दे भी स्पष्ट मना कर दें, अन्यथा यदि आप किसी मजबूरी बात से देते ही हो औजार तो आप इतना ध्यान रखें कि जब भी वो आपके फार्म पे औजार देके जाए तो उसको आप अच्छे तरीके से साफ करें और उसको रखें और बाद में उसको काम में लें। इसके अलावा फार्मर भैया बात आती है क्रॉसिंग की,
हमने कई बार देखा है कि जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो अपना जो फार्म का बोर है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। यदि कोई आपके फार्म का बोर ले जाके आप अपने फार्म की फीमेल को क्रॉस करवाता है, हो सकता है कि उस फीमेल के अंदर कोई बीमारी हो, उसने बच्चे फेंके हो, ठीक है जी, और वो जैसे कि किसी फीमेल ने बच्चे फेंक दिए, वो आपका बोर ले गया, उसको क्रॉसिंग करवा दी और उसके बाद वो आपके फार्म पे छोड़ गया, तो वो बीमारी है जो, वो तो आपके बोर के अंदर चली गई। उसी वक्त यदि कोई आपके फार्म की फीमेल हीट पे आती है तो आप तो क्रॉस करवाओगे, क्रॉस करवाते तो वही बीमारी है जो आपके फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कि आपकी फीमेल के अंदर भी ये समस्या आ सकती है कि वो बीमार हो जाए, बच्चे फेंक जाए। और इस सभी प्रोसेस को बोलते हैं फार्मर भाई जेनेटिक्स। जैसे कि एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर बीमारी ट्रांसफ़र होना, ये जेनेटिक्स के अंदर आता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो जेनेटिक्स के बारे में, और भी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि नई ब्रीड तैयार करना, एक ब्रीड से अदर ब्रीड कैसे निकालना, ये सभी जेनेटिक्स के अंदर आता है, और इसकी बहुत बढ़िया नॉलेज है जो यूट्यूब पे या गूगल पे दी गई है, वहाँ से जो सर्च करके इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। इसके बाद होता है फार्मर भाइयों कि अपने फार्म पे आवारा जानवरों का प्रवेश को रोकना। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि फार्मर जो ज़्यादातर जो फार्म वेस्टेज पे है, वहाँ पे जो जानवर आते रहते हैं वेस्टेज की वजह से, क्योंकि उस फार्म के अंदर स्मेल है बहुत ज़्यादा आएगी, जिस फार्म के अंदर स्मेल ज़्यादा आएगी वहाँ पे जानवर आएंगे ही आएंगे, जैसे कुत्ते वगैरह हो गए, तो उसका वो ध्यान रखें आप, क्योंकि ये भी एक बीमारी फैलाने का स्रोत है। यदि आपके फार्म के अंदर कोई भी आवारा जानवर है एंटर करता है तो वैसली वो भी बीमारियां जो अपने साथ है लेके आ सकता है। तो ये तो हो गया फार्मर भैया बायो सिक्योरिटी के अंदर, जो मैंने आपको कई बातें बताई है जो नए फार्मर भाई ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके फार्म के अंदर कोई भी लॉस ना हो। इसके बाद फार्मर भैया आता है मादा की डिलीवरी। जब आपके मादा की डिलीवरी हो जाए, कई बार आपके मादा है जो अनकम्प्लीट डिलीवरी हो जाए, तो उसका आप ये ध्यान रखें कि तुरंत उस बॉक्स को साफ़ करें, उस बच्चों को है जो गाड़ के आए, और उस बॉक्स को अच्छे तरीके से साफ करके उस बॉक्स को आप 3-4 दिन तक खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दें, और तीन चार दिन के बाद उसके अंदर फिर जो आप जैसे कीटाणुनाशक कोई भी स्प्रे वगैरह करें, ताकि वो जैसे आपके फार्म पे मादा ने बच्चे फेंके तो वो कीटाणु वगैरह आपके अदर फार्म में भी फैल सकते हैं, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। फार्मर भाई जब भी आप अपने फार्म का निर्माण करें, शेड डालें, तो आप उसके अंदर एक बॉक्स है जो खाली रखें, ठीक है जी, एक बॉक्स है जो हमेशा खाली रखें, उसके अंदर आप किसी भी जानवर को एंटर न होने दें। खाली इसलिए रखें क्योंकि जब भी आपके फार्म के अंदर कोई भी जानवर बीमार होता है तो आप उसको तुरंत अलग करें। सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है कि आप उस जानवर को अलग करें, अलग करने के बाद ही उसका जो ट्रीटमेंट है चालू करें। कई बार हमने देखा है फार्मर भाइयों कि अपने फार्म पे जो जानवर है बीमार हो जाता है और 1-2 दिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं या अलग नहीं करते हैं। कई बार ऐसी बीमारी होती है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर हो जाती है, जिससे कि एक जानवर तो बीमार होता है और देखते देखते अलग जानवर भी बीमार होने लगते हैं। इसलिए आप सबसे पहले बात है तो यही करें कि आप उस जानवर को अलग करें, अलग करने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट है जो चालू करें। जब तक आपका जानवर है जो दूसरे जानवरों के साथ रहेगा, बीमार जानवर है जो दूसरे जानवरों के साथ रहेगा, तब तक जो बीमारी फैलने का खतरा है वो बढ़ता रहेगा। आप जब जानवर को अलग करें, अलग करने के बाद आप ये नोटिस करें कि आपका जानवर है जो किसी तनाव की वजह से तो नहीं वो किसी बीमारी का शिकार हो रहा है, या उसे कोई फीवर वगैरह। कई बार फार्मर भैया हम देखते हैं कि हमारे फार्म पे कुछ जानवर है जो तनाव के कारण खाना पीना बंद कर देते हैं और जो एक सुस्त से रहने लग जाते हैं। हम इस चीज़ को नोट नहीं करते, ठीक है जी, हम सीधे देखते हैं कि जानवर ने खाना पीना बंद कर दिया तो इसका मतलब वो बीमार है, हम उस पर जो अपना ट्रीटमेंट है इंजेक्शन वगैरह जो चालू कर देते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, सबसे पहले उसका फीवर चेक करें। यदि फीवर नहीं है तो आप ये पता करें कि जानवर है जो खाना पीना क्यों नहीं खा रहा है, कहीं वो तनाव में तो नहीं है। आप उसको थोड़ा अलग करके छोड़ें बाहर, उसको थोड़ा यदि आपके फार्म पे जगह है तो उसको थोड़ा बाहर राउंड लगाएं, जिससे कि वो उसका तनाव है जो कम हो सके। हम कई बार देखे हैं कि जानवर जैसे खाना पीना छोड़ दिया तो हम सीधे उस पर
हाई एंटीटॉक्सिन की जो दवाइयाँ वो चालू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आपको लगता है कि ये किसी बीमारी का शिकार है, कोई इसको तनाव नहीं, तो आप सबसे पहले जो हल्का एंटीबायोटिक है उसको वो दें। हल्के एंटीबायोटिक देने के बाद आप वेट करें, वेट करने के बाद देखें भी फीड डालें, और फीड डालने के बाद देखें कि बुखार है कि नहीं। ऐसा नहीं भी तुरंत नहीं, आप 4-5 घंटे वेट करें उसके बाद फीड डालें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उस जानवर के आगे फीड डाल दी और यदि जानवर ने 10 मिनट तक नहीं खाई तो वापस उठा लिया, ऐसा ना करें। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी फीड उसके आगे 2-3 बार डालते रहे, जिससे कि वो थोड़ी थोड़ी फीड खाता रहे और उसकी जो सेहत के अंदर है कमजोरी न आए। और उसको जब आपको पूरा श्योर हो जाए कि ये बीमार है, उसके बाद आप हल्का ट्रीटमेंट चालू करें। यदि हल्के से वो नहीं सेट बैठता तो उसके बाद उसको हाई ट्रीटमेंट चालू करें। शुरुआत में उसको हाई ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि शुरुआत में एक बार उसको आपने हाई ट्रीटमेंट दे दिया वो ठीक तो हो जाएगा, पर यदि आगे भी कभी बीमार होता है, जब उस जानवर को आप सेल करते हो किसी और फार्मर के पास भी जाके वो बीमार होता है, तो वो कभी भी हल्की एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने पहले ही बहुत हाई डोज दे रखी है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आपका जानवर बीमार हो तो शुरू में उसका हाई डोज से इलाज ना करें। फिर आती है फार्मर भाइयों बात, जब आपके फार्म पे मादा डिलीवरी होती है, कई बार हमने देखा है कि मादा है जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, जब फर्स्ट टाइमर ज़्यादा है ये समस्या आती है, तो फार्मर भाई उस टाइम घबरा जाते हैं। कई होते हैं जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दूध उतारने वाला वो देने लग जाते हैं, ये सरासर गलत है। जब भी आपकी फीमेल है जो डिलीवरी देती है, तो डिलीवरी देने के बाद आप देखिए यदि वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, यानी कि बैठती नहीं है, तो आप कुछ ना करें, सीधा जो उसके थनों पे है, जो अपना जो हाथ है जो ऐसे घिसाएं ऐसे थनों के नीचे पूरी स्पीड से, जब तक कि वो पूरी गर्म ना हो जाए। ऐसा आप यदि 4-5 मिनट करोगे तो वो आपकी फीमेल है जो अचानक अपने नीचे बैठ जाएगी और बच्चों को दूध पिलाने लग जाएगी। यही जो काम है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देता है, क्योंकि जब उसके आप तेजी से हाथ घिसाओगे तो उसके अंदर जो ब्लड का एक सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे कि वो आराम महसूस करेगी और बच्चों को दूध पिलाने लग जाएगी। आप कभी भी आपके फार्म पे समस्या आती है तो आप घबराए नहीं, और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है गलतियां, वो आप गलतियां न करें। सबसे पहले अपने फार्म के बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखें, न कि आपका जो फर्स्ट है रिस्पॉन्स है माल बेचना, नहीं आपकी फार्म की बायोसिक्योरिटी का है। क्योंकि माल तो है आपके पास, यदि एक व्यापारी नहीं तो दूसरा व्यापारी आकर ले जाएगा, माल तो बिक जाएगा, पर ऐसा जब आपके फार्म के अंदर कोई बीमारी आ गई तो आपको उसको कंट्रोल करना है जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा आप जब भी कहीं फार्मर से कहीं से अदर जानवर खरीद के लाते हो अपने फार्म पे, आपका फार्म रनिंग में है, आप कहीं और से जानवर खरीद के लेके आए, तो उसको 3-4 दिन है जो अलग रखें। अलग रखने के बाद ही उसको दूसरे जानवरों के अंदर अपने छोड़ें, क्योंकि आप जिस फार्म से जानवर लेके आ रहे हो आपको पता नहीं होगी उस फार्म में क्या बीमारी है, या उसके क्या बायोसिक्योरिटी है, या वो क्यों सेल कर रहा है। हो सकता है वो पहले भी जानवर बीमार हो, वो ठीक करके सेल कर रहा हो, XYZ कोई भी कारण हो सकता है, पर इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो बातें बताई आपको पसंद आई होगी। दूसरा बायो सिक्योरिटी पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अपने फार्म पे जाके, 1-2 दिन के अंदर वो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर हमने कैसे शेड डिजाइन किया और डिजाइन के अंदर कैसे हमने बायो सिक्योरिटी मैनेज की है, पूरी पूरी मैं आपको दिखाऊंगा।